So, hey guys, what's up? Vijay here. Welcome back to my new video. तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसी एक रेसिपी बताने जा रहा हूँ जो आप वेट लॉस कर रहे हो तो भी आप ले सकते हो। अगर आप वेट डाइटिंग पे हो, कंट्रोलिंग पे हो, डाइटिंग पे, तो भी आप ये रेसिपी जो मैं बनाऊंगा आज की, ये डाइट आप खा सकते हो। कौन सा मील है आज? बहुत ही अच्छा और इजी मील है और यमी मील रहेगा। और आज मैं आप लोगों को जो बताने जा रहा हूँ जो रेसिपी है वो आप ब्रेकफास्ट के तौर पर भी खा सकते हो, ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हो, या फिर एक इवनिंग स्नैक में जो आपको भूख लगती है तब भी खा सकते हो। तो आइए मैं आज आपको बताऊंगा, आप लोगों को बताऊंगा कॉर्नफ्लेक्स की रेसिपी। कॉर्नफ्लेक्स में जो इंग्रेडिएंट यूज करने वाले आज हम वो देखते हैं। पहले तो ये अनार, थोड़े अनार है जिसे 8-10, ये है 8 कैशू, ये अलमंड बादाम, और ये है ब्लैक किशमिश, और ये 100 ग्राम मलाई दही, और ये है हमारे कॉर्नफ्लेक्स। ठीक है, तो ये है केलॉग के कॉर्नफ्लेक्स। तो सबसे पहले हम, जैसे ये है कर्ड, ये है दही, जो मलाई का दही है 100 ग्राम जो हमने लिया, आप उसकी आपके हिसाब से ले सकते हो। इसमें हम, ये एक स्कूप आता है जैसे 30 ग्राम का स्कूप होता है, तो ये है 30 ग्राम के कॉर्नफ्लेक्स, तो मैं दो डाल दूंगा इसमें, डेढ़, और ये है डेढ़ स्कूप, मतलब हो गया ये है 45 ग्राम कॉर्नफ्लेक्स। तो इसमें हम डालने वाले पहले ये ब्लैक किशमिश, और डालेंगे कैशू, और इसके बाद में डालेंगे ये अलमंड। आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से वैसे डाल सकते हो, मैंने थोड़ा ज़्यादा लिया है जैसे 45 ग्राम कॉर्नफ्लेक्स, तो उसके हिसाब से डाला है। तो ये है अनार, इसको मिक्स कर देंगे, और फिर इसको अच्छे से मिक्स। तो दोस्तों ये हमारी बन चुकी है एक हेल्दी रेसिपी जो कि आप ब्रेकफास्ट के तौर पे खा सकते हो। अगर आपको इवनिंग में भूख लगती है तो इवनिंग के तौर पे भी आप एक हेल्दी एक स्नैक खा सकते हो। काफ़ी अच्छी है, डिलीशियस डिश है हमारी और हेल्दी डिश है। इसमें यूज हुए वाले इंग्रेडिएंट है आपको पता है, जैसे इसमें कर्ड हुआ है, क्रीम वाला दही, उसमें अलमंड, कैशू, अनार, और ब्लैक वाले हमारे मनुका, मतलब ब्लैक किशमिश में यूज है, और काफ़ी एक हेल्दी और डिशी स्नैक। तो वैसे काफ़ी अच्छा है, टेस्टी है, यमी है और स्वादिष्ट है, और काफ़ी हेल्दी भी है। तो आप ज़रूर इसको ट्राई कर सकते हैं, एक ब्रेकफास्ट के तौर पर, एक इवनिंग स्नैक के तौर पर, एक हेल्दी ब्रेकफास्ट और एक इवनिंग हेल्दी स्नैक। तो दोस्तों इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा ऐसे ही अच्छी अच्छी रेसिपी, हेल्दी रेसिपी की वीडियो और एक्सरसाइज की वीडियो। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं और ऐसे एक नए वीडियो में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।